नमस्कार, मैं प्रगल दत्त तिवारी हूँ। मैं एक MBA हूँ और मैंने एक एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी स्टार्ट की है जिसमें मैं एक इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री सेक्टर में आया हूँ। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री सेटअप करने के 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहली इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकेंड मशीन्स और थर्ड आपकी सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको कम से कम 6000 स्क्वायर फीट का लैंड चाहिए, जिसमें कि 2000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए और बाकी के वेकेंट लैंड होगा जिसमें कि आप सन ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स कर सकते हैं। आइए आपको मैं पहले बताता हूँ कि मेरे पास पहली जो मशीन है वो है वॉशिंग मशीन। ये स्टीम ऑपरेटेड वॉशिंग मशीन, जैसे कि आप देख सकते हैं 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये अभी चल रही है। इससे इस मशीन में सिलेंड्रिकल बास्केट है जिसमें कपड़े डाल दिए जाते हैं, ऑटोमेटिकली पानी इसमें अपने आप आता है। इधर से हम लोग केमिकल ऐड करते हैं जो कि केमिकल पानी में मिलता है और धुलाई होती है। इस मशीन की सबसे खासियत ये है कि आप देख सकते हैं इसमें पानी का लीटर्स का गैलन लिखा हुआ है, जिसमें कितना पानी आता है इससे पता चलता है। सेकेंडली, इस मशीन में एक अगर आप मान लीजिए कि 500 ग्राम की एक चद्दर होती है, इसकी कैपेसिटी 50 किलो की है, तो आप 1000 चद्दर एक बार में धुल सकते हैं मिनिमम, ठीक है। और ये वॉशिंग मशीन में कम से एक साइकिल जो होती है वो 15 से 20 मिनट की होती है, अगर कैपेसिटी फुल है तो। ये बहुत ही प्रॉपरली वॉशिंग करती है कपड़ों की और इससे कपड़ों के रेशे बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। इसके बाद आइए आपको ले चलता हूँ अपनी दूसरी मशीन पे। ये है हाइड्रो एक्सट्रैक्टर, इसका नाम है। ये हाइड्रो एक्सट्रैक्टर है जो कि जिसका काम है पानी को निचोड़ना, इन द सेंस पानी को कपड़ों से रिंस आउट करना। ये आप देख सकते हैं ये बास्केट है जिसमें ये 5000 RPM के ऊपर दौड़ती है और पानी कपड़े इसमें लगे रहते हैं और कपड़ों से पानी कम से कम 80% निकल जाता है। इसके बाद तीसरी मशीन जो हमारे पास है, ये बहुत ही अच्छी मशीन है। ये इस मशीन का काम है, इसको कहते क्या है, इसका नाम है टंबल ड्रायर। ये टंबल ड्रायर है, इसके अंदर भी एक सिलेंड्रिकल बास्केट है जिसमें कि गर्म हवा निकलती है। मोटी मोटी भाषा में अगर बताऊँ तो गर्म हवा निकलती है। इसकी कैपेसिटी कुछ 100 किलो के ऊपर की है। इसमें भी कपड़े घूमते हैं सिलेंड्रिकल बास्केट में, गर्म हवा आती है, कपड़ों के रेशों से गुजरती है और 20% जो बचा हुआ पानी था वो भी सुखा देती है। अगर आप इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो ये 3 मशीन बेसिकली रिक्वायर्ड है। इसके बाद ज़रूरत देखिए, अब तो वॉशिंग मशीन से धुलाई हो गई, इन दोनों मशीन से सुखाई हो गई। इसके बाद ज़रूरत पड़ती है नवीन जी, हम लोग को जरूरत पड़ती प्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास अभी 6 प्रेसिंग टेबल हैं जो कपड़ों को प्रेस करते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में आयरनिंग कहते हैं। ये यहाँ पे कपड़ों की प्रेसिंग होती है। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर मिस्टर एक्स के यहाँ से 12 कपड़े आते हैं और मिस्टर वाई के यहाँ से 6 कपड़े आते हैं, तो धुलाई के पहले हम लोग कपड़ों की टैगिंग करते हैं और वो टैग कपड़ों में लगा रहता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने इसको टैग कर रखा है, इस पर हमने एक कोट डाल रखा है जिससे कि कपड़े मिक्स नहीं होते। इसके अलावा इसके बाद सारे कपड़े जो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, एक्स वाई जेड जिनके भी होते हैं वो इस सेग्रीगेशन टेबल पे आते हैं। इन सेग्रीगेशन टेबल पे सारे कपड़े एक 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 आदमी के सारे कपड़े एक जगह रखे जाते हैं, फिर वो धोबी के झोलों में पैक होकर के, लॉन्ड्री के झोलों में पैक होकर के डिलीवरी वैन के थ्रू उनके घर तक पहुंचा दिए जाते हैं। आइए आपको मैं फिर से ले चलता हूं अपनी मशीन्स के पास। अभी तो मैंने आपको उनके बारे में जानकारी दी थी, आइए देखते हैं कि कपड़ा जब अंदर गया और अब कपड़ा कैसे बाहर आ रहा है वॉशिंग के बाद। देखिए ये कपड़े हैं जो हमारी वॉशिंग मशीन में गए थे। अभी कुछ देर पहले आपने देखा कि इनकी वॉशिंग हो रही थी, अब देखिए ये कपड़े धुल करके निकल रहे हैं। ये एक एक चादर है जो कि बहुत ही संभाल के निकाली जा रही है, क्योंकि गीला हो जाने के बाद इनमें कंडीशन रहती है कि ये फट सकती है, इसलिए बड़े ही कोमल और नाजुक हाथों से इनको निकाला जाता है। और ये चादर जो एकदम गंदी थी वो एकदम साफ़ हो चुकी है। आपने देखा कि ये कपड़े वॉशिंग मशीन से निकले, इसके बाद ये सारे कपड़े आते हैं हमारे हाइड्रो एक्सट्रैक्टर में। आप देख सकते हैं कि कितने करीने से कपड़े लगाए जा रहे हैं इनमें, कोने कोने में,
जिससे कि बास्केट का बैलेंस गड़बड़ाए नहीं। कपड़े अब इसमें पूर्णतः भर चुके हैं, अब इसको हम लोग तौलिया से ढकते हैं जिससे कि सिलेंड्रिकल बास्केट जो 5000 आरपीएम के ऊपर दौड़ती है उसका बैलेंस ना बिगड़े। धीमे धीमे इसको इसमें सेटल कर दिया जाता है और इसके बाद मशीन का जो ढक्कन है उसे हम बंद कर देते हैं। मशीन अब तैयार है चलने के लिए। ये मैंने ढक्कन बंद किया, इसको बंद कर दिया। वहाँ से हम इसका इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे और यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर देंगे। ये इसका टाइमर है कि आप 5 मिनट चलाना चाहते हैं, 10 मिनट चलाना चाहते हैं, 15 मिनट। वैसे मैक्सिमम जितने भी कपड़े हैं वो 6 से 7 मिनट में पूर्णतः सूख जाते हैं। और इसको मैंने यूँ स्टार्ट कर दिया। ये मशीन अब स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं कि मशीन चल रही है और इसका पानी अंदर निकल जाता है। और अभी आप देखिएगा कि पानी जो इसमें से निकल रहा है वो यहाँ पे आएगा और पानी आने लगा है। अभी ये पानी का फ्लो धीमा है क्योंकि अभी मशीन स्टार्ट हुई है, धीमे धीमे इसका फ्लो और तेज होगा। आप देख सकते हैं पानी का फ्लो हो रहा है और ये पूर्णतः कपड़ों को निचोड़ रही है धीमे धीमे, जिससे कि उसके थ्रेड्स खराब ना हो, क्योंकि अगर थ्रेड्स खराब हो जाएंगे, देखिए मशीन इस तरह चलती है और इस तरीके से पानी रिंस आउट होता है। आइए आपको नेक्स्ट मशीन पे ले चलें, इसका नाम है टंबल ड्रायर। जब पानी 80% सूख चुका होता है उसके बाद 20% के लिए हम लोग कपड़ों को टंबल ड्रायर में डालते हैं। ये इसमें एक ये 100 किलो कैपेसिटी की टंबल ड्रायर है, यहाँ लिखा है टंबल ड्रायर। और ये भी एक सिलेंड्रिकल बास्केट है जिसमें कि कपड़े रख दिए जाते हैं और क्लॉकवाइज ये मूव करती है जिससे कि कपड़े क्लॉकवाइज घूमते हैं इसमें सिलेंड्रिकल बास्केट में। और गर्म हवा पास होती है। गर्म हवा कैसे पास होती है? इसमें भी हीटिंग सिस्टम है, आप देख सकते हैं ये टेम्परेचर लिखा है, ये रोटेशन आवर लिखा है, टाइम लिखा हुआ है। आप सेट कर दीजिए जिस हिसाब से कैपेसिटी कपड़े हैं उनको इसमें डाल दीजिए, पावर ऑन कर दीजिए और गर्म हवा निकलेगी, कपड़ों के रेशों में जाएगी, जहाँ जहाँ पानी के ड्रॉपलेट्स और या पानी प्रेजेंट है उनको सुखा देगी और कपड़े पूर्णतः सूख जाते हैं। अभी तक तो आपने देखा मॉडर्न तरीका जिससे कि मशीन के द्वारा कपड़े सुखाए और धुले जाते हैं, लेकिन हमारे धोबी घाट पे एक ट्रेडिशनल धोबी घाट भी है। ये एक्चुअली हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के लिए एक बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। अगर मशीन ख़राब हो जाए, लाइट चली जाए, तो उसका सारा बैकअप हमारे यहाँ कि कस्टमर को सफ़र न करना पड़े, कस्टमर को पूरा बैकअप हम देना चाहते हैं, उनको टाइमली सारी चीज़ें मिलती रहें, हम अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करते रहें और टाइमली प्रोवाइड कर सकें, ये हमारी कोशिश है। और हम लोगों ने पूरा बैकअप लेकर किया है और इन सारी चीज़ों को हम छोटे स्केल पे भी स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे हम हर चीज़ों को बढ़ाते हुए आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करना आसान होता है, उसको लंबे समय तक चलाना बड़ा मुश्किल होता है। ये कोई नए लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनको कुछ एक चीज़ों पे हमेशा एक मन में बना कर रखना होगा कि इससे हमें डिगना नहीं है। एक तो मेहनत और दूसरा ये कि पैसे से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है वो कभी नहीं सोचना चाहिए। आपका जो बजट है आप उसी बजट से छोटे स्केल से शुरू करके आप बड़े स्केल पे जा सकते हैं। हम लोगों ने शुरुआत की थी हॉस्टल के बच्चों से, हॉस्टल के कपड़े आते थे हमारे यहाँ और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते करते आज हम इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री पे पहुँच गए। तो ये मन में बनाकर और ये धैर्य रखना पड़ेगा, सक्सेस मिलेगी अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं और आप कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी नए लोग, जो भी युवा इसमें आना चाहते हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं, इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं। आप इस चीज़ को इस तरीके से देखें, हर घर में हर आदमी, हर लोग इस कपड़े को यूज़ करते हैं और अगर आप उनको इस कपड़ों के लिए सर्विस देंगे, ये डेली की सर्विस है, रोज की सर्विस है। देखिए आदमी की 3 ज़रूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी भी मिलती है, मकान भी मिलता है, लेकिन कपड़े जो होते हैं वो आदमी पहनता है और उनको धुलवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो नए एंटरप्रेन्योर्स इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री सेक्टर में आना चाहते हैं उनके लिए स्काई इज़ ओपन, एवरीथिंग इज़ ओपन। हमारे देश की पॉपुलेशन 100 करोड़ के ऊपर है, तो आप सोच सकते हैं कि अगर एक आदमी भी 2 कपड़ा पहनता है, ऐसे एक शर्ट और एक पैंट, तो जस्ट डबल कपड़े हो गए। तो दे स्काई इज़ ओपन, आप जितना कपड़ा धोना चाहें धो सकते हैं और
अब आपको मैं ले चलता हूँ अपने प्लांट पे, जो हम लोगों ने ईटीपी प्लांट लगा रखा है। इस ईटीपी का फुल फॉर्म होता है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। ये एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो है, ये वाटर की टॉक्सिसिटी, जो हम लोग डिटर्जेंट्स यूज करते हैं उनकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म करता है और पानी को नॉर्मलाइज करता है। पूरा तो नॉर्मलाइज नहीं कर पाता, पूरी टॉक्सिसिटी नहीं निकाल पाता है। टॉक्सिसिटी को हम कह सकते हैं पानी के अंदर जो केमिकल्स के द्वारा जहरीला पानी है उसकी टॉक्सिसिटी को कम से कम 60-70% कम करता है। और ये पानी जब टॉक्सिसिटी खत्म हो जाती है तो उसके बाद आप इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। ये होता है ईटीपी प्लांट। आप एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम कपड़ों की धुलाई का काम करते हैं और इसमें पानी ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और उस पानी को जब हम ड्रेन आउट करते हैं, जब हम उसको बाहर निकालते हैं, तो वो पानी कम से कम ऐसा रहे कि वो कहीं किसी को हानि न पहुंचाए। जहरीला पानी है तो किसी की जान भी जा सकती है सेवन करने पे, तो उसकी टॉक्सिसिटी को खत्म कर देता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ ईटीपी प्लांट कैसे होता है। ये स्क्रीन चैम्बर है, ये माने एक नाली है जहाँ से जो पानी हम लोग यूज़ करते हैं टॉक्सिक पानी, वो इसमें से आता है। ये आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इक्वलाइजेशन टैंक है। ये इक्वलाइजेशन टैंक है, इसको मोटी भाषा में कह सकते हैं टंकी है जिसमें पानी आके स्टोर्ड होता है। यहाँ से फिर ये एक पंप लगा हुआ है, इस पंप से पानी ऊपर जाता है रिएक्शन टैंक में। वहाँ पर एलम, फिटकरी और चूना मिल करके पानी की थोड़ी सी सफाई करता है। उसके बाद वो सेटलिंग टैंक में जाता है। सेटलिंग टैंक मतलब जो सेटल कर देता है पानी की गंदगी को, स्लज वहाँ सेटल कर जाता है और पानी फिर फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में आगे जाता है। पानी यहाँ से स्लज सेटलिंग टैंक से होते हुए फिर आता है इस टंकी में, इसको कहते हैं फिल्टर फीड टैंक। फिल्टर फीड टैंक में यहाँ आकर के पानी स्टोर हो जाता है, फिर ये पंप से इन टैंक्स में जाता है जहाँ पे बेसिकली पूरी टॉक्सिसिटी को ख़त्म किया जाता है। एक प्रेशर टैंक है, इस प्रेशर टैंक में प्रेशर के थ्रू पानी सेटल हो जाता है। उसके बाद पानी आ जाता है, जो बचा हुआ पानी है उसको हम लोग ट्रीटेड वाटर कहते हैं, जो ट्रीटेड वाटर टैंक में आता है। इसके अलावा पानी में जो स्लज बनता है वो स्लज इसमें आके गिर जाता है। इस स्लज को मैन्युअली आप निकाल करके फेंक दीजिए और इसी तरीके से ईटीपी का काम होता है। अभी तक तो आपने देखा कि किस तरीके से मशीन से कपड़ों की धुलाई, सुखाई, सन ड्राइंग और धोबी घाट हम लोगों ने बनाया है। इसके अलावा हम अपनी लॉन्ड्री में एक अलग फैसिलिटी भी देते हैं, इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ। बनारस दो चीज़ों के लिए मशहूर है, एक तो बनारसी पान और दूसरी बनारसी साड़ियाँ। बनारसी साड़ियों की पॉलिश भी हम अपने इस धोबी घाट में करते हैं। आप देख सकते हैं कि एक बनारसी साड़ी है जिसको हम लोग लगा रखे हैं और स्प्रे की मदद से बनारसी साड़ियों की पॉलिश होती है। मोटी मोटी भाषा में आप जानना चाहें तो जानिए कि ये पॉलिश का दूसरा नाम हिंदी में कहते हैं चरक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये तुरिया कहलाती है, तुरिया जिस पे साड़ी बांधी जाती है, और ये हम लोग बनारसी भाषा में इसको खम्बा कहते हैं। ये लकड़ी का एक हिस्सा है जिस पे ये तुरिया बैठी है। अब ये पॉलिश जब ये साड़ियाँ हो जाती हैं तो इनको लपेटा जाता है, इस तरीके से तुरियों पे साड़ी लपेटी जाती है। इसके बाद जब ये पूर्णतः लपेट जाती है तो इनको निकाल करके हम सूरज की रोशनी के नीचे रख देते हैं, जिससे कि जो चरक में जो हम लोगों ने सामग्री यूज़ की है वो पूर्णतः सूख जाए और साड़ी की पॉलिशिंग हो जाए। आइए आपको बाहर ले चलते हैं कि किस तरीके से हम साड़ी को तुरिया में बांध करके सूरज की रोशनी के नीचे सुखाते हैं। हमारे पास कुल मिलाकर के 200 तुरियाँ हैं, जिसमें एक तुरिया से 6 साड़ी निकल सकती है। और ये तुरियाँ आप देख सकते हैं जिसमें साड़ी लिपटी हुई है, ये सूरज की रोशनियों में सूख रही हैं। जैसे ये देखिए, ये तुरिया है जिसपे साड़ी बंधी हुई है पॉलिशिंग के बाद, चरक के बाद, और ये सूरज की रोशनी के नीचे सूख रही हैं। जब ये सूख जाती हैं तो साड़ी अपने आप पॉलिश हो चुकी रहती है। उसके बाद इनको हम खोल करके, फोल्ड करके तैयार कर देते हैं डिलीवरी के लिए। ये तरीका है साड़ी पॉलिश करने का। ये भी एक एडिशनल चीज़ है जो हम लोग करते हैं यहाँ पे। मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री एक अनंत सागर है, क्योंकि कपड़ों की कमी है नहीं। आप जितना कपड़े धुलना चाहें धुलें, और ये एक अनंत सागर है।
आप जितनी दूर तक तैरना चाहें तैर सकते हैं, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा। धन्यवाद।